बहुत बार क्यों निकला था सर, एक कला से मतलब सर, आपके थाली में निकलेगा तब खाएंगे नहीं खाएंगे, कोई नहीं खाएगा सर। जो भोजन में कीड़ा निकलने की बात है, ये तो सर लगभग हमेशा की बात है सर। यही चाहते हैं कि यहाँ जो मेज व्यवस्था जुटा है उनको सही ढंग से चलना चाहिए। योगी सरकार स्कूलों की दशा सुधारने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, मगर उनके नुमाइंदे सरकार की कोशिशों पर पलीता लगा रहे हैं। पहले ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर कुशीनगर में स्थित आश्रम पद्धति विद्यालय की है। जिस तरह ये स्कूल का भवन मरम्मत मांग रहा है, ठीक उसी तरह इस स्कूल की व्यवस्था में भी सुधार की जरूरत है, क्योंकि ना तो इस स्कूल में बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही है और ना ही भोजन की ठीक व्यवस्था है। दरअसल इस स्कूल में बच्चों के खाने में कीड़े मिलने का मामला सामने आया, जिसके बाद स्कूली बच्चों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध किया। बता दें कि जिले के लक्ष्मीपुर स्थित आश्रम पद्धति विद्यालय में शुक्रवार देर रात 10 बजे के करीब बच्चों ने हंगामा किया था। हंगामे की वजह से बच्चों को दिए जाने वाले भोजन में कीड़ा मिलना बताया गया। बच्चों की नाराजगी इतनी बढ़ी कि बच्चों ने विद्यालय में तोड़फोड़ करते हुए खिड़की के शीशे और गमला तोड़कर अपना विरोध जताया। साथ ही विद्यालय के मुख्य गेट पर पहुंचकर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद देर रात पुलिस और समाज कल्याण अधिकारी ने जाकर बच्चों को समझाया और शनिवार को सदर विधायक मनीष जायसवाल ने विद्यालय में जाकर बच्चों से मुलाकात की, जहां बच्चों ने भोजन में अक्सर कीड़े मिलने की शिकायत की। साथ ही बच्चों ने बताया कि अभी तक उन्हें किताबें भी नहीं मिली। इसी दौरान बच्चों ने स्कूल की कई और खामियां गिनाई। सर जो भोजन में कीड़ा निकलने की बात है, ये तो सर लगभग हमेशा की बात है, अधिकांश टाइम निकलता है। कल क्या हुआ था? कल बहुत बार कीड़ा निकला था सर, एक कला से मतलब सर, आपके थाली में निकलेगा तब खाएंगे नहीं खाएंगे, कोई नहीं खाएगा, ये मामूली सी बात है, ये हमेशा होता है, इसी तरह अधिकांश टाइम होता है। तो बच्चे क्या करें सर बताइए? और क्या दिक्कत है सर? और दिक्कत यहाँ से अधिकांश दिक्कत ये है, पढ़ाई मामले सर पढ़ने यहाँ आए हैं और पढ़ने आए हैं यहाँ किताब मिल ही नहीं रहा है। एक हिस्ट्री का बुक है, मतलब सर मैं पढ़ा पढ़ता हूँ, मैंने बोर्ड की तैयारी करना है, अभी तक किताब नहीं मिला हिस्ट्री का, मैं क्या करूँ? तो अभी बिना किताब की पढ़ाई कैसे करते हो? यस सर, वही क्या करेंगे सर, अब इधर उधर देखते हैं, मतलब दो किताब मिला है तो उसे पढ़ते हैं इधर उधर, बच्चे इधर कोई इधर लता है कोई इधर लता है। तो आखिर भोजन में कीड़े निकले हैं या अक्सर निकलते हैं, तो इसके लिए क्या मांग करते हो प्रशासन से, क्या चाहते हो तुम? सर यही चाहते हैं कि यहाँ जो मेज व्यवस्था जुटा है उनको सही ढंग से चलना चाहिए। इसका सारा जिम्मेदार जो इसका संस्था का संचालक है उनको जाता है, भाई देखते नहीं है वो। वहीं स्कूली बच्चों के हंगामे के बाद डीएम ने खुद मामले को संज्ञान में लिया और शनिवार को सीडीओ से पूरे मामले की जांच कराई। खामियां मिलने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए रसोइये को हटा दिया गया। वहीं अब स्कूल में भोजन व्यवस्था के लिए टेंडर के माध्यम से नई चयनित संस्था को कार्य दिया गया और संबंधित पूर्व संस्था की संविदा को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पंजाब की एसटी टीवी के लिए कुशीनगर से अनूप कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।